हेलो स्टूडेंट, मैं हूं कमर एज इनपुट से। आज का हमारा टॉपिक है इलास्टिक एंड इन इलास्टिक कोलाइजन। प्रीवियस लेक्चर में भी हमने इलास्टिक एंड इन इलास्टिक कोलाइजन को देखा था, हमने इनको डिफाइन किया था और इनकी जो है वो वैल्यूज निकाली थी। उस लेक्चर में हमने जो वेलोसिटीज एंड पे जो वेलोसिटीज की वैल्यू निकाली थी, आज हम उन वेलोसिटीज की जो अननोन वैल्यूज हैं उनको फाइंड करेंगे। पहले हम थोड़ा सा प्रीवियस लेक्चर को रिकॉल कर लें। हमारे पास इलास्टिक और इन इलास्टिक कोलाइजन है क्या। इलास्टिक कोलाइजन एक ऐसा कोलाइजन है जिसमें काइनेटिक एनर्जी क्या रहती है, रिजर्व रहती है, जिसमें काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहेगी बिफोर कोलाइजन एंड आफ्टर कोलाइजन। वो हमारे पास जो कोलाइजन होगा वो इलास्टिक कोलाइजन होगा। और इन इलास्टिक कोलाइजन एक ऐसा कोलाइजन होगा जिसमें काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व बिफोर एंड आफ्टर कोलाइजन। जो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यूज हैं वो डिफरेंट होती हैं। फिर हमने एग्जांपल्स भी देखी थी इलास्टिक कोलाइजन की। हमने एग्जांपल ये देखी थी कि अगर हम बाउंसी बॉल को एक टेबल पे गिराएं तो जितनी वेलोसिटी से वो जाएगी उतनी वेलोसिटी से वो वापस आएगी, और जितनी हाइट से हमने उसको गिराया था उसी हाइट पे वो वापस आएगी। तो काइनेटिक एनर्जी बेसिकली डिपेंड कर रही होती है मास और वेलोसिटी पे। मास सेम रहता है, वेलोसिटी भी सेम रहेगी, तो काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहेगी और हमारा जो कोलाइजन हो जाएगा वो इलास्टिक कोलाइजन हो जाएगा। लेकिन अगर हम एक टेबल पे एक स्टील की बॉल गिराते हैं तो वो गिराने के बाद वापस नहीं आएगी, वो सारी की सारी अपनी एनर्जी उस टेबल पे लगा देगी, जिससे वो टेबल टूट जाएगा या साउंड के या फ्रिक्शन में वो सारी की सारी एनर्जी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो बॉल जो है वो अपनी ओरिजिनल हाइट पे वापस नहीं आ सकेगा। तो ऐसे कोलाइजन को हम इन इलास्टिक कोलाइजन कहते हैं। फिर हमने इनकी वैल्यूज फाइंड की, तो हमारे पास वैल्यूज आई थी के V1 माइनस V2 इज इक्वल टू माइनस V1 बार माइनस V2 बार के। अब ये V1 और V2 क्या है कि हमने ये कहा था कि अगर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m1 है और वो V1 वेलोसिटी से मूव कर रहा है, हमारे पास एक दूसरा ऑब्जेक्ट है जिसका मास m2 है वो v2 वेलोसिटी से मूव कर रहा है सेम डायरेक्शन में इन वन डायमेंशन। तो ये दोनों मूव करते जा रहे हैं और एक टाइम आएगा जब ये दोनों आपस में कोलाइड कर जाएंगे। कोलाइजन के बाद इनकी जो वेलोसिटीज हैं वो उनमें थोड़ा सा डिफरेंस आएगा और इसकी वेलोसिटी v1 से v1 बार हो जाएगी और इसकी जो वेलोसिटी है m2 की वो v2 से v2 बार हो जाएगी। तो हमने एंड पे जो रिजल्ट निकाला था वो हमारे पास आया था कि v1 माइनस v2 इज इक्वल टू माइनस v1 बार माइनस v2 बार। ये हमें ये बता रहा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी अप्रोचेस इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द सेपरेशन, कि जब वो एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं उनकी जो वेलोसिटीज का जो डिफरेंस है वो इक्वल आएगा जब वो टकराने के बाद एक दूसरे से सेपरेट हो रहे हैं। लेकिन इनके साथ जो माइनस का साइन है ये हमें ये बता रहा है कि इन दोनों की जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है। अब हमने ये देखना है कि टकराने के बाद उनकी जो वेलोसिटीज v1 बार और v2 बार हुई थी इनकी वैल्यूज क्या है, हमने इन दोनों की वैल्यूज फाइंड करनी है। तो अगर हम इसको थोड़ा सा लदा लदा करके लिखेंगे v1 माइनस v2 बार, इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा माइनस v1 बार प्लस v2 बार। अब हम यहां से क्या करते हैं कि हम v2 बार की वैल्यू ले लेते हैं यहां से, कि हम v1 माइनस v2, ये माइनस का जो v2 v1 बार है इधर आगे प्लस का v1 बार हो जाएगा और इस साइड पे हमारे पास आएगा v2 बार। ये हमारे पास वैल्यूज आ गई v2 बार की। अब हम यहां पर फिर से कंजर्वेशन लॉ लगाएंगे मोमेंटम का। इलास्टिक कोलाइजन एक, हमने ये भी कहा था कि हर कोलाइजन में जो मोमेंटम और एनर्जी है वो कंजर्व रहेगी, चाहे वो इलास्टिक कोलाइजन हो चाहे वो इन इलास्टिक कोलाइजन। लेकिन काइनेटिक एनर्जी की जो वैल्यूज थी उनकी बेस पे हम इनको इन कोलाइजन को दो वैल्यू जो है उनमें पार्ट्स में डिवाइड भी कर देते थे कि इलास्टिक और इन इलास्टिक। लेकिन कोलाइजन कोई भी हो, चाहे वो इलास्टिक हो चाहे वो इन इलास्टिक हो, उनमें जो मोमेंटम है वो कंजर्व रहता है। अगर मोमेंटम कंजर्व है तो हम ये कहेंगे कि कोलाइजन का पहले का मोमेंटम जो कि हमारे पास m1 v1 प्लस m2 v2 है वो इक्वल होगा कोलाइजन के बाद के मोमेंटम के जो कि हमारे पास है m1 v1 बार प्लस m2 v2 बार। ये हमारे पास कोलाइजन से पहले का मोमेंटम और ये हमारे पास कोलाइजन के बाद का मोमेंटम। तो कंजर्वेशन लॉ यही कहता है कि कोलाइजन से पहले का मोमेंटम और कोलाइजन के बाद का मोमेंटम जो होगा वो इक्वल रहेगा। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पर जस्ट m2 जो बार है उसकी वैल्यू जो हमने यहां से निकाली है
उसको यहाँ पे क्या करेंगे पुट कर देंगे। तो हम इसको यूं लिखेंगे एम वन वी वन प्लस एम टू वी टू इज इक्वल टू एम वन वी वन बार प्लस एम टू इंटू। अब हमने यहाँ पे वैल्यूज पुट करनी है वी टू बार की, जो कि हमने निकाली थी वी वन माइनस वी टू प्लस वी वन बार के। अब हमारे पास ये वैल्यूज आ गई हैं। अब हमने क्या करना है एम वन वी वन प्लस एम टू वी टू, ये तो एज इट इज आएगा, आगे हमारे पास एम वन वी वन बार भी एज इट इज आएगा। अब हम क्या करेंगे इस एम टू को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, पहले एम टू वी वन से मल्टीप्लाई होगा तो एम टू वी वन प्लस माइनस माइनस एम टू वी टू प्लस 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 और एम टू वी वन बार के। अब हमने यहाँ किया क्या किया कि हमने ये किया कि हमने एम टू जो था उसको अंदर वाली सारी वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम ये करेंगे कि जो बार वाली वैल्यूज है वी वन बार और ये वी वन बार, इनको एक साइड पर रहने लगे और बाकी सारी वैल्यूज को दूसरे साइड पर ले जाएंगे। तो हमारे पास ये जो इक्वेशन है वो कुछ इस तरह से आएगी एम वन वी वन प्लस एम टू वी टू। अब ये हमारे पास प्लस की वैल्यू है, इधर आगे माइनस की हो जाएगी माइनस एम टू वी वन। उसके बाद हमारे पास है ये वाली माइनस में, इधर आगे प्लस हो जाएगी एम टू वी टू और इधर हमारे पास आएगा एम वन वी वन बार प्लस एम टू वी वन बार के। अब यहां से देख एम वन हमारे पास कॉमन आ रहा है, हम इनमें से जो जो कॉमन आएगा उसको कॉमन ले लेंगे, जो हमारे पास दो अलग वैल्यूज होंगे उनको हम अलग लिख लेंगे। ये भी हमारे पास वी वन है, ये भी हमारे पास वी वन है, तो यहां से वी वन कॉमन लेंगे तो हमारे पास आएगा एम वन माइनस एम टू के। इसी तरह वी टू वी टू दोनों, ये भी एम टू वी टू ये भी एम टू वी टू, तो यह आएगा टू एम टू वी टू। इधर से हमारे पास वी वन बार कॉमन आ रहा है तो वी वन बार कॉमन लेंगे तो हमारे पास आएगा एम वन प्लस, हमें वैल्यू चाहिए एम वन बार की, तो ये जो सारी वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही है इधर जाकर क्या हो जाएगी डिवाइड हो जाएगी। तो हमारे पास ये जो इक्वेशन है ये कुछ इस तरह से आएगी के वी वन इंटू एम वन माइनस एम टू प्लस टू एम टू वी टू इज इक्वल टू वी वन बार के, और वी वन बार की ये जो वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है अगर हम इसको इक्वल की दूसरी साइड पे लेके आएंगे तो ये इधर जाके डिवाइड होगी एम वन प्लस एम टू। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई किसकी वी वन बार की। हम इसको अलग अलग करके भी लिख सकते हैं कि हम इसको यूं भी लिखेंगे कि वी वन बार इज इक्वल टू वी वन इंटू एम वन माइनस एम टू ओवर एम वन प्लस एम टू, और ये प्लस का साइन लगाएंगे, ये वाली वैल्यू लिखेंगे टू एम टू वी टू और ये इसके साथ जो ओवर में सहार है उसको लिख देंगे। हम इन वैल्यूज को अलग अलग करके क्यों लिख रहे हैं कि जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास फिर से यही वैल्यू आएगी, तो हम इसको यूं भी लिख सकते हैं और यूं भी लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट था जिसका मास एम वन था उसकी जो वेलोसिटी वी वन थी और कोलिजन के बाद उसकी जो वेलोसिटी वी वन बार हो गई हमारे पास उसकी वैल्यू आ गई। इसी तरह अगर हम उसकी वी टू की वैल्यू निकालें तो वो भी हम इसी तरीके से इसी फार्मूला से निकालेंगे। हमारे पास था कि वी वन माइनस वी टू इज इक्वल टू वी टू बार माइनस वी वन बार। अब आप क्या करेंगे यहां से वैल्यू लेंगे वी वन बार की, पहले हमने वी टू बार की वैल्यू पुट करके वी वन बार की निकाली थी, अब हम वी वन बार की वैल्यू लेंगे और उसको वी टू की वैल्यू निकालेंगे। तो हम ये करें इसको उठा के इस साइड पे लेके आएंगे, वो ये माइनस का है तो इधर आके प्लस का हो जाएगा वी वन बार। यहां पर हमारे पास वी टू बार है, वी वन प्लस का है इधर आकर माइनस वी वन और ये माइनस का वी टू है तो इधर आके प्लस का वी टू। अब ये हमारे पास वैल्यू आ गई वी वन बार की। अब हम यहाँ पे वही फार्मूला लगाएंगे जो हमने प्रीवियस लगाया था कि हमारे पास कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है कि एम वन वी वन प्लस एम टू वी टू इज इक्वल टू एम वन वी वन बार प्लस एम टू वी टू बार के। अब हमारे पास एम वन बार की वैल्यू है जो कि हमने यहाँ पे पुट करनी है, तो एम वन वी वन प्लस
एम टू वी टू इज इक्वल टू एम वन इन टू वी टू बार माइनस वी वन प्लस वी टू, ये वाली वैल्यू जो हमने फाइंड की थी यहां पे पुट कर दी और हमारे पास आ गया एम टू वी टू बार। अब हम क्या करेंगे, सेवन को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाली वैल्यू दैट इज एज इट इज आएंगी इज इक्वल टू एम वन इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो एम वन वी टू बार माइनस एम वन वी वन प्लस एम वन वी टू प्लस एम टू वी टू बार के। तो हमने जब इसको अंदर मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये वाली वैल्यूज आ गए। अब हम क्या करेंगे, एम टू वी टू बार और एम टू वी टू बार इसको हम इसी साइड पे रहने देंगे, बाकी सारी वैल्यूज को इक्वल के दूसरी साइड पे ले जाएंगे। हमारे पास आएगा एम वन वी वन प्लस एम टू वी टू, ये वाली वैल्यू है इधर आकर प्लस एम वन वी वन, ये वाली वैल्यू इधर आकर माइनस एम वन वी टू इक्वल के इस साइड पे हमारे पास आ जाएगा एम वन वी टू बार प्लस एम टू वी टू बार। अब हमने ये देखना है कि दोनों साइड्स पे जो कॉमन वैल्यूज हैं वो कौन सी हैं। तो जो कॉमन वैल्यूज होंगी हम उनको अलग कर लेंगे कि यहाँ पर ये भी वी वन और ये भी वी वन, ये भी एम वन वी वन, ये भी एम वन वी वन, तो हम इसको लिखेंगे टू एम वन वी वन, ये वी टू ये वी टू। तो दोनों में से जब हम वी टू कॉमन लेंगे तो हमारे पास आएगा एम टू माइनस एम वन, इधर से वी टू बार इधर से वी टू बार, तो वी टू बार को कॉमन लेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी एम वन प्लस एम टू। अब ये वैल्यू इधर मल्टीप्लाई हो रही है इधर जाकर डिवाइड हो जाएगी, तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से आएगी टू एम वन वी वन प्लस एम टू माइनस एम वन और साथ में वी टू मल्टीप्लाई हो रहा है तो वी टू को लिख देंगे और ओवर में आएगा हमारे पास एम वन प्लस, ये हमारे पास वैल्यू आ गई वी टू बार की। इसको हम अलग अलग करके भी लिख सकते हैं कि टू एम वन वी वन ओवर एम वन प्लस एम टू प्लस एम टू माइनस एम वन इंटू वी टू ओवर एम वन प्लस एम टू, ये हमारे पास वैल्यू आ गई वी टू बार की। तो ये हमने दोनों जो अननोन वैल्यूज थी जो कि हमारे पास कोलिजन के बाद आ रही थी कि जो पहला मास था एम वन उसकी जो वेलोसिटी थी कोलिजन के बाद वो हमने फाइंड कर ली, और जो हमारे पास कोलिजन के बाद जो एम टू की वेलोसिटी थी हमने वो भी फाइंड कर ली। तो हम इन वैल्यूज को अगर लिखें तो हमारे पास वी वन बार की जो वैल्यू आई है ए वी वन बार इज इक्वल टू एम वन माइनस एम टू इंटू वी वन ओवर एम वन प्लस एम टू और साथ में हमारे पास आया था टू एम वन टू एम टू वी टू ओवर एम वन प्लस एम टू, और हमने जो वी टू बार की वैल्यू निकाली है वो हमारे पास आई है वी टू बार इज इक्वल टू टू एम वन वी वन ओवर एम वन प्लस एम टू और प्लस में हमारे पास आया एम टू माइनस एम वन टू वी टू ओवर एम वन प्लस एम टू। तो ये दोनों वैल्यूज थी हमारे पास जो अननोन जो हमारे पास क्वेश्चन के बाद दोनों वेलोसिटी थी वो हमने फाइंड कर ली, जो कि हमने पहले हमने ये कहा कि जो कोलिजन से पहले की जो वेलोसिटीज हैं और कोलिजन के बाद की जो वेलोसिटीज हैं वो इक्वल होती हैं, वहां से हमने वी वन बार और वी टू बार की वैल्यू निकाली, फिर हमने उनको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में पुट किया तो हमारे पास वी वन बार और वी टू बार की वैल्यूज आ गई। सो ये था आज का हमारा टॉपिक। इस टॉपिक के रिलेटेड क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछेंगे या विजिट करेंगे edgeinput.com को। इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि स्पेशल केसेस क्या होते हैं कि अगर हम जो मैसेज हैं उनको चेंज करें या वेलोसिटीज को चेंज करें तो हमारे पास जो कोलिजन के बाद जो वेलोसिटीज हैं उनकी वैल्यूज क्या हो जाती है। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।